काजी का जुब्बा उतार कर एक बूढ़े जाते दरवेश की गदड़ी पहनने के लिए तुम्हें काजी तैनात किया गया था यूनुस का बंदी। मैं नहीं जानता। इतना इल्म क्या हमने तुम्हें इसलिए दिया था फर्जंद कि सब कुछ भूल भाल कर दरगाह में आ बैठो। मैं नहीं जानता। पीर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी मदद करूं मैं? मैं नहीं जानता। मैं हाथ बटा दूं यूनुस अफंदी? तुमने सोचा कि भीड़ होने से पहले ही सफाई कर ली जाए? अच्छी सोच है ये। दरगाह के कुछ कायदे और उसूल हैं यूनुस। यहाँ रहने वालों का खाना यहीं तैयार होता है, हम फल और सब्जियां भी यहीं उगाते हैं। होशो हवास से काम ले काजी यूनुस। जिन लोगों की जिंदगियां अपने फैसलों से बदला करते थे, अब उन लोगों से कुदालें और कुल्हाड़े मरम्मत करवाओगे जाकर? मैं नहीं चाहता। अब भी वक्त है, फेंक दो ये झाड़ू और जाकर काजी का मनसब संभाल लो। तुम्हारा मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। जल्दी सलमान जल्दी, तुम्हें शिकार का शौक है या नहीं? बिल्कुल है मालिक, निशाना भी अच्छा है मेरा अल्लाह के करम से। तो फिर अगली बार अपने बहनोई की जगह तुम्हें लेके चलूंगा साहब। जी मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम गायब हो गए थे, मैंने सोचा तुम्हारा इरादा बदल गया। बिल्कुल नहीं आगा, शिकार पर जाने के लिए मैंने ही तो इसरार किया था। नया नया शौक उठाए तुम्हें, मैं तो बरसों से जा रहा हूँ, तुम तो मना करते थे हर बार, अब क्या हो गया? अरे होना क्या है, आपके साथ जो एक दफा चला जाए उसे चस्का लग जाता है शिकार। सूरज ढलते ही निकलेंगे, बस वक्त से करप्टे पहुँचना होगा हमें, रात वहीं गुजारेंगे, मौसम भी अच्छा है, सुबह हम नमाज पढ़ते ही वहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ वापस आ गया यूनुस? अब तक तो नहीं। अरे कहां थी तुम करबाज बच्ची, कहां थी? आ जाओ, कहां बैठ जाती हो जाकर,
बहुत आदत होती जा रही है तुम्हें इधर उधर घूमने की। अपनी जगह पर टिक कर बैठना सीखो सब्र से खराबाश, वरना तुम जानती हो ना पिटाई भी हो सकती है तुम्हारी जैसे आवारा कुत्ते की होती है। समझ आई कुछ? बाजार जाकर बहराम लोहार को दे आओ मरम्मत, समझा देना अच्छी तरह कि ध्यान से काम करे वो, ठीक तरह मरम्मत कर दे उनकी। ये भी कह देना काम खत्म होने से पहले दुकान से बाहर कदम न निकाले वो अपना। मोहतरम इंतजार बेकार है, शिकार पर गए हैं बहराम आगा। मैं नहीं जानता। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? लोहार की दुकान बंद है, शिकार पर गया है वो। दुकान बंद है? या अल्लाह, कुदालें कुल्हाड़े कहां हैं? मैं नहीं जानता। क्या जवाब देंगे शेख को, क्या वजाहत करेंगे? मैं नहीं जानता। अम्मा, पिछले साल तो काफी तादाद में लोग आए थे ना आशूरे के इज्तिमा में। इस बार उससे भी ज्यादा होंगे, देख लेना।
कल तो आशूरे का दिन है, मेरी समझ में नहीं आया कि फिर क्यों बाबा दरवेशों से बागे सेब की छटाई करवाना चाहते हैं। कौन आया है देखना? अंदर आ सकता हूं मैं? शेख मोहतरम की खिदमत में जाना है। यूनुस अफंदी? हाँ, शेख बाबा के पास जाना चाहते हैं। यूनुस अफंदी को बोलो कि वो अंदर आ जाए। मैं आपके लिए कुछ लाती हूं। मैं नहीं जानता। बाबा जान मुंतजिर हैं आपके। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह। हर 12 दानों के बाद एक दाना बड़ा क्यों होता है? मैं नहीं जानता। यहां बैठ जाओ यूनुस, 12 इमामों की अलामत है ये। 5 दानों के बाद भी देखो तो हैरान मत होना। इसका मतलब 5 दिन पाक, यानी अहले बैत और रसूल करीम। किसी रोज एक दिलचस्प हिकायत सुनाऊंगा तस्बीह की। बहुत से भेद हैं इसके अंदर। मोहतरम, लोहार की दुकान बंद है, कुदालें कुल्हाड़े वापस ले आया मैं। शिकार के शौक में कुछ याद नहीं रहता उसे। जाओ कहीं से भी ढूंढ कर लाओ बहराम को, अक्चल पहाड़ी के आसपास होगा। बिल्कुल वक्त नहीं है, एक लम्हा जाया किए बगैर निकल जाओ। हर सूरत चाहिए मुझे वो। भी क्या उजलत आ पड़ी मजारों की मरम्मत की। यूनुस अफंदी, क्या फरमाया शेख मोहतरम ने? मैं नहीं जानता। एक घोड़ा चाहिए मुझे। कहीं जाना है आपको? मैं नहीं जानता। शाम तो ढलने ही वाली है अफंदी, शेख ने अभी उसे ढूंढकर लाने के लिए कहा है। मैं नहीं जानता। मशल भी रखती है और पानी का मशकेजा भी रखती है।
जा किधर रहे हैं जानते हो? कुछ बताया नहीं है। लोहार बहराम शिकार पर निकल गया, उसे ढूंढने जा रहे हैं मौसूफ। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो तो क्या कहा कि मैं नहीं जानता। बस मैं नहीं जानता का विरत कर रहे हैं यूनुस अफंदी। सफाई वफाई अचानक मौकूफ। अब बहराम को ढूंढ कर लाओ औजारों की मरम्मत के लिए, बहुत अहम काम है। शाम होने वाली है लेकिन औजारों की मरम्मत मेरी सलामती से भी ज्यादा अहम है। दाना पानी कर दो हसनू, भूखे प्यासे होंगे। पहले हम सुकून से खा पी लें, फिर इनको भी खिला देंगे। मैं अलाव रोशन करता हूँ, तब तक आप आराम करें। बहराम आजा। तेजी से घोड़े पर सवार हुए और उसे ढूंढने निकल गए शेख मोहतरम। कौन भला? यूनुस अफंदी। जल्दी की वजह क्या थी? बहुत उजलत में थे, वरना सोचते तो कि शाम ढले उन्हें औजारों की मरम्मत के लिए क्यों भेजा जा रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कौसिम? इस कदर अहम था औजारों की मरम्मत करवाना? अंदाजा नहीं मुझे। उनकी जगह होता जरूर पूछता कि कल तो आशूरे की नियाज तैयार करने पे लगे होंगे सब। औजारों के मरम्मत की ऐसी क्या जरूरत है? जी बिल्कुल शेख। ये जगह मुनासिब है बहराम आगा। हाँ हाँ ठीक है। घोड़ों का दाना पानी कर दो हसनू, भूखे प्यासे होंगे। पहले हम सुकून से खा पी लें, फिर इनको भी खिला देंगे। मैं अलाव रोशन करता हूँ, तब तक आप आराम करें। पहले नमाज पढ़ लेते, वजू है तुम्हारा? ठीक है, आप नमाज पढ़ लें, मैं आसपास का जायजा लेकर आता हूँ। जायजे की क्या जरूरत है, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर सो जाएंगे, सवेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। फिर नींद नहीं आएगी, अब शिकार के बारे में सोच सोच कर ही
नींद उड़ चुकी है मेरी बहरामा का। मुस्तहिक था तू इस सजा का, अब चाहे होश खो दे, दीवाना हो जाए, मुस्तहिक था तू इसका। किसे सौंप दिया तूने अपने आप को यूनुस अफंदी? कौन सी निजात के खातिर काजी का मनसब छोड़कर जंगलों में भटक रहा है? Thank you.
सो क्यों नहीं रहे उसनु आगा? शिकार मिलेगा या नहीं हमें, इस बेचैनी में नींद ही नहीं आ रही। सो जाइए आप। बेचैनी देखो इसकी, बहुत ही बेचैन हो हसनु। ये आवाज किसने दी? मैं भी नहीं जानता बहराम आगा। कौन है वहां?
यूनुस अफंदी यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। वापस चलो मेरे साथ। शेख मोहतरम ने फौरन याद किया है तुम्हें। मेरी तलाश में नालेहान से यहां तक आए यूनुस अफंदी? मैं नहीं जानता। अब इतनी रात गए, जंगल पार कर आ ही गए हो तो सुबह तक ठहर जाओ, रोशनी होते ही निकल चलेंगे। शेख मोहतरम का हुक्म है कि तुम्हें फौरन साथ लेकर पहुंचूं। तुम चले जाओ यूनुस अफंदी, शेख से हम खुद माजरत कर लेंगे। इतनी दूर आने के बाद खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे हम। तुम भी आराम कर लो यूनुस अफंदी, अगर अभी निकल भी जाए तो सुबह से पहले नहीं पहुंचेंगे। बहराम आगा, यूनुस अफंदी को वापस दरगाह जाने दें, वो रुक कर क्या करेंगे? वैसे भी उन्हें कौन सा हमारे साथ शिकार करना है? आराम कर लो यूनुस अफंदी, रोशनी होते ही हम निकल जाएंगे। उसनु, एक और कंबल निकालो और इधर बिछा दो। हमेशा से खुशी का दिन था आशूरा, मगर जब आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून नाहक बहाया गया करबला में, फिर उस वक्त से 10 मुहर्रम का दिन खुशी के बजाय बन गया हम सब के लिए शोक का दिन। तुम चले जाओ, बहराम आगा शेख साहब को बाद में आकर वजाहत दे देंगे। तुम भी आराम कर लो यूनुस अफंदी। फातिमा बाजी नहीं आएंगी क्या मोमिना खाला? उन्हें बुलवाने के लिए लड़के को भेजा तो था खानम सुल्तान, मगर वो नहीं आ रही हूँ। आशूरे की महफिल में तो जरूर आना चाहिए। मैं सिर्फ आपके इल्म में ला रही हूँ, मसूद आगा ने अजमी साहब के रवैये की शिकायत की है। मुझे भी शाहीन ने बताया था, मगर मैंने तवज्जो नहीं दी। क्या बताया था? साफ साफ बताइए, पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हैं? असल में अजमी साहब शेख के किसी फैसले से नाखुश हैं, सुनने में तो यही आया है, यकीनन अफवाह ही होगी। सही कहा, ये तो दिल के मामलात हैं, किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकिए, तशरीफ रखिए, खड़ी क्यों होती हैं? काम का हर्ज मत कीजिएगा अपने। दरवेश खाने में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया मोहतरम। क्या लाई हैं आप आशूरे के लिए खदीजे बहन? छोले लाई हूँ मैं शेख मोहतरम। अच्छा, पीर भाई 12 मुख्तलिफ मेवों से नियाज तैयार कर रहे हैं आशूरे की 12 इमामों की मुनासबत से। आप क्या बना रही हैं आयगल बहन? मेरी नंद आयशा ने अलमाली के खास बादामों का हदिया भेजा है। यौम आशूर इमाम हुसैन की शहादत से भी पहले
एक खास दिन रहा है दुनिया की तारीख में। तूफान नूह जब थमा तो खाने की जो चीजें बाकी थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन सबको मिलाकर यह गिज़ा तैयार की। आपने क्या हिस्सा मिलाया है आकचा खातून? खुश्क सेब लाई हूँ शेख। हजरत नूह की कश्ती 10 मुहर्रम को ठहरी थी पहाड़ पर। तूफान माह मुहर्रम ही में उठा था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 10 मुहर्रम को आग गुलजार हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से 10 मुहर्रम को ही दरिया शेख हुआ था। बनी इसराइल को उसी दिन फिरौन की गुलामी से नजात मिली। चुनाचे इसी सबब से हमेशा से खुशी का दिन था आशूरा। मगर जब आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून नहाक बहाया गया करबला में, फिर उस वक्त से 10 मुहर्रम का दिन खुशी के बजाय बन गया हम सब के लिए शोक का दिन। शोक मनाइए। आवाजें सुनी आपने उनकी? हाँ, नजदीक हैं। जल्दी रवाना होना है हमें बैरामा। चलिए यूनुस अफंदी, तुम चले जाओ। बैराम आगा शेख साहब को बाद में आकर वजाहत दे देंगे। शेख का हुक्म है, कहने साथ लेकर आओ। मुझे बात खटक रही है यूनुस अफंदी। शेख ने इतनी रात में तुम्हें क्यों भेजा मुझे आकर बुलाने के लिए? मैं नहीं जानता। तुम जाकर शिकार करो हुस्नू, मैं जा रहा हूं यूनुस अफंदी के साथ। अब तो हम इतने करीब आ चुके हैं, आपने आवाजें भी तो सुनी है उनकी। बताओ जरा, हम यहां मेमर्शी की रिहाई का जश्न मनाने आए थे और ये मुझे वापस ले जा रहा है। वो तो बस हुकुम की तामिल में दौड़ा आया। आप जानते तो हैं कि शेख साहब हमें आशूरे की नियाज बनाने और लोगों को खिलाने में लगा देंगे। मैं अपने ऊपर ले लूंगा सब, उनकी तरफ से बिल्कुल परेशान ना हूं। आया नहीं अभी तक यूनुस? अभी तक तो नहीं पहुंचे वो। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर हो आप सबकी। यूनुस इस इलाके से वाकिफ नहीं है, खासकर उन पहाड़ियों से। काश आप मुझे भेज देते उनकी जगह। एक चाबी एक ही कुफल खोल सकती है कसम। कोई कुफल देखा है हर चाबी से खुलने वाला? Thank you.
यहाँ क्यों रुके हैं बहराम आगा? हुस्नू आ जाए, चलते हैं। हुस्नू, बहराम आगा, मैंने वादी में तो मोटे ताजे हिरन देखे हैं, उनसे पूरे नालेहान की दावत हो सकती है। उनकी आवाजें सुनते हुए दूर आ गए हैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ। बहराम आगा, आवाजों की बात कौन कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत मोटे तगड़े हिरन है वो। चले जल्दी चले आप मेरे साथ, कहीं वहां से वो भाग ना जाए। तुम जाओ दरगाह, हम इतनी दूर आए हैं इनके पीछे, मैं माजरत कर लूंगा शेख से। खामखा इतना लंबा सफर किया, आ, चलो। जब खुशबू इतनी जबरदस्त है तो जायका कितना उम्दा होगा। इतने नेक लोगों के नाम पर पकाया है तो अच्छा ही होगा। वो नेक लोग कौन थे? दर्स में नहीं आओगे तो लाइल ही रहोगी ना। शेख बाबा अभी तो बता कर गए हैं इमाम हुसैन की शहादत के बारे में। कौन इमाम हुसैन? हजरत अली करमल्ला वजह और बीबी फातिमा के फर्जंद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। आशूरे के दिन करबला के शहीदों की याद में ही हमने आज बनाते हैं बरकत के लिए। खाया तो मैंने बहुत बार है, लेकिन मालूम आज पहली बार हुआ। बच्चे, हमारे तो कई मुकद्दस दिन हैं, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आज इस न्यास को बनाए जाने का मकसद तुम जान गई हो। खाने मन्ना, करबला क्या है? शेख साहब से पूछना बच्चे, वो सब जानते हैं। दर्स सुनने आ जाओ ना आज शाम। लेकिन शाम तक तो हर सूरत घर पहुंचना होगा मुझे, वरना पापा चांद से मार देंगे। अपने बाबा को बता कर आना, वो मना नहीं करेंगे, वो हमें जानते हैं। परेशान मत हो। शेख मोहतरम का हुक्म है कि तुम्हें फौरन साथ लेकर पहुंचूं। यूनुस अफंदी, तुम चले जाओ, बहराम आगा शेख साहब को बाद में आकर वजाहत दे देंगे। तुम भी आराम कर लो यूनुस अफंदी।
तो आवाजें नहीं आ रही। तुम्हें यकीन है तुमने हरम देखे थे यहाँ पर? जी इसी तरफ देखे थे मैंने बहरा मागा। घोड़ों को ना देख लें, वो बिदक गए तो हाथ नहीं आएंगे। चलो घोड़े यहाँ बांधो। कर लाओ बहराम, वक्त नहीं है, हर सूरत चाहिए मुझे। जानता हूं कि अगर आज तुम्हारी जान बख्श भी दूं मैं, तो भी तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। खुदा के लिए मत मारो। यूनुस अफंदी आए थे मेरे पापा के पास मतलब में। किस वक्त? शाम से पहले, हम उस वक्त वहीं थे। खैर तो थी ना किरा, खुदा ना खास्ता तबीयत तो नासाज नहीं थी? नहीं नहीं ठीक है। वो तो बहराम अफंदी को लेकर आए थे, शिकार के दौरान किसी शिकारी का तीर आकर लगा था उन्हें। या अल्लाह, खैर जल्दी से बताओ क्या हुआ था, क्या सुना तुमने? बहराम की हालत इस काम के लायक थी या नहीं? औजार तो ठीक ही थे शेख मोहतरम। तबीब मिकाल अफंदी ने बता दिया है मुझे। ठीक है, तुमने अपना फरीजा बखूबी निभाया। आज से एक नया फरीजा सौंप रहा हूं तुमको यूनुस। Thank you.